प्लीज अलॉट गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज मैं आपको लेके चलती हूँ अपने गांव। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ गांव जा रही हूँ और गाइस बहुत खुशी है क्योंकि पिछले 2 साल से हम प्लान कर रहे थे कि हम गांव जाएं, जबकि हम हर साल गांव जाते हैं, लेकिन अब की बार हम नहीं जा पाए लॉकडाउन की वजह से। और प्रभु की दया से मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि अब हम गांव जा पा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हम थोड़ी देर के लिए सोनीपत पर रुके। दिल्ली से जो गांव है 180 किलोमीटर है और गाइस हम ज़्यादा रास्ते में नहीं रुक सकते क्योंकि गांव का ऐसा टाइम होता है कि 6 बजे के बाद बहुत अंधेरा हो जाता है और आजकल जैसे ठंड है तो बहुत ज़्यादा कोहरा भी हो जाता है। तो मैं सब चीज़ों को कवरअप करते हुए आपको सब चीज़ें दिखाते हुए चलूँगी और जल्दी जल्दी हम निकलेंगे यहाँ से। यहाँ पर मैं सोनीपत में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर मैं हम थोड़ी देर के लिए रुके, स्टे किया क्योंकि हम बाइक पे जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है कि लॉकडाउन में अगर बसेस वगैरह बंद हो जाएँ तो हम अपनी गाड़ी से वापस भी आ सकते हैं। तो रास्ते में थोड़ी थोड़ी देर रुक कर हम जब चल रहे थे और यहाँ पर हम सोनीपत दिल्ली से निकल चुके हैं, दिल्ली से हम सोनीपत पर आकर हम थोड़ी देर के लिए स्टे किया, उसके बाद हम निकल रहे हैं। जोल बहुत खुश है, बहुत इसको अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों से ये भी ऐसे ही बोले जा रहा था कि मम्मा हमें मुझे गांव जाना है, मुझे गांव जाना है। और फाइनली प्रभु का धन्यवाद कि हम गांव जा पा रहे हैं। तो यहाँ हमने थोड़ी देर रुका, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत भीड़ थी इस रेस्टोरेंट के बाहर क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर एरोप्लेन देखने को मिल रहे थे और काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हुए थे। तो हम भी थोड़ी देर रुके और फिर निकले। देखो जोल की खुशी देखो गाइस। और चलिए हम अब ज़्यादा टाइम ना करते हुए निकलते हैं। काफ़ी देर तक हम बाइक पे बैठ चुके हैं और थक चुके हैं। फाइनली अब गांव के बिल्कुल पास हैं और हम पहुंचने वाले हैं। हम अंदर गांव में एंटर कर चुके हैं और ये है राजौंद। ये राजौंद है जहां से सिर्फ 3 किलोमीटर गांव अंदर है, तो हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ये बाहर का व्यू है, बाहर जो मार्केट है और जो शॉप वगैरह है हम वहाँ का मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे गाइस और ये है गांव की एंट्री। तो फाइनली गाइस हम गांव आ चुके हैं और ये स्ट्रीट है, ये दोनों तरफ भैंसे वगैरह आप देख सकते हैं, गांव का व्यू देख सकते हैं आप। और गांव का व्यू देखकर वाकई में बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो होता है कि गांव की हवा पानी जो कि इतनी पॉल्यूशन फ्री होती है। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ और मैंने यहाँ ये देखिए, ये है हमारा फ्रंट, हमारे फ्रंट यहाँ से हमने एंट्री की है और इस तरीके से हम मैं गई। ये सामने का जो व्यू दिख रहा है गाइस, ये एक कमरे हैं और ये मैं आपको साइड से दिखाती हूँ, ये पूरा बरामदा है, इस तरीके से ये पूरा घर है। तो गाइस परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं हम लोग कि हमें परमेश्वर बड़ी सुरक्षा के साथ लेकर आया और इस तरीके से हम आ गए हैं। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आने के बाद क्योंकि हम फाइनली काफ़ी दिनों से इस बात को सोच रहे थे। तो मैं पीछे का व्यू भी आपको दिखा रही हूँ, ये पीछे का है जंगल, ये पूरा जंगल है गाइस, यहाँ पर क्या कहते हैं गोबर वगैरह के वो बनते हैं जो कंडे, उनको थापते हैं, उन्हें सुखाते हैं, लकड़ी वगैरह रखते हैं, भूसा वगैरह रखते हैं जानवरों के लिए जो हमने पाले हुए हैं। तो ये सारा इस तरीके से है गाइस। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये मेरी नंद है। तो गाइस सब लोग बड़े खुश थे, ये पहले से आ गई थी और हम थोड़ा लेट आए। तो ये देखिए, और ये गांव में किचन है गाइस जो दिल्ली जैसा दिखता है। ये देखिए एक ऐसा किचन जो कि जैसे दिल्ली में होता है, इस तरीके से बनाया हुआ कि खड़े होकर बर्तन वगैरह धो सकते हैं, जो दिल्ली से आए वो खड़े होकर बर्तन धो सकते हैं आराम से। और एक ऐसा किचन भी है जो कि नीचे बैठकर ये सब लोग काम करते हैं क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं है खड़े होकर खाना बनाने में। तो गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर हो सकती है। थैंक यू।